मैं आपको रजिस्ट्रार से डीआईजी स्टैम्प से गोरखपुर के मेरे साथ उनका पेपर लेकर के आपके उनके सामने बैठूंगा सर आप मेरा 5 लाख रुपये कर देंगे चलिए उनसे भी मैं अच्छा वो सब भी लिए हैं क्या चलिए उनसे भी मैं बोलूँगा सर पैसा कब देंगे आप बताइए अच्छा वो भी सब जमे लिए हैं क्या उस अरे छोड़ दीजिए और किसी की ना छोड़िए पूरा रजिस्ट्री ऑफिस के सारे स्टाफ से जाकर पूछे क्या तुम लिया है क्या डायरेक्ट बोल रहे हैं अच्छा सब लोग लिए हैं आप किसी की बात छोड़िए आप रजिस्ट्री ऑफिस में ऑपरेशन ब्लैक एंड व्हाइट में आज खबर अब तक एक ऐसी कंपनी का पर्दाफाश करने जा रहा है जिसका काले धन को सफेद करने का मास्टर प्लान जानकर बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों को भी पसीना आ जाएगा। आज खबर अब तक के खुफिया कैमरे के जरिए आप देखेंगे कि कैसे एक कंपनी ने बाबू से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक के काले धन को ठिकाने लगाने के लिए एक चौंकाने वाला मास्टर प्लान तैयार किया है। है तो ये हमारे जीवन का पहला प्रोजेक्ट है मेरे बड़े भाई के नाम से आप पाएंगे हमारे पार्टनर के नाम से पाएंगे मेरे नाम से पाएंगे हाँ नहीं घर पार्ट घर कानून बना दिया सरकार ने नहीं घर की बात नहीं है उस समय मेरे पास कुछ था ही नहीं छोटे साइकिल से घूम घूम के प्लॉट दिखा के बेचते थे हाँ जब देखिए नहीं चल जाएगा अच्छा यहाँ से कंपनी इसका मेरा क्या है अच्छा ये सब ये सारे लोग रजिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर यही रहेगा क्या नहीं उसका रीजन बता रहा हूँ हमारे देव राम कम सम ये प्रोजेक्ट आज के डेट में जानते हैं जो मेरा ड्रीम है ये मेरा सबसे पहला ड्रीम है अच्छा अच्छा और यही मेरी पहचान है और यही आज यहाँ बैठा के रखा है हाँ नहीं ठीक बात है यही यही प्रोजेक्ट मुझे आज भले हम 5 प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये मेरा पहला इन्वेस्टर जो भी लगाया पैसा इस पे लगाया हुआ ये कि हम लोगों ने क्या स्कीम निकाला हम लोग पास भी पैसा था नहीं हमारे से मुझे 1 करोड़ रुपया देना है मुझे रजिस्ट्री करानी है 1 करोड़ रुपया मैंने आपसे लिया उस समय मान के चलिए अगर हमने 1 एकड़ जमीन कराया तो 33 प्लॉट 33 प्लॉट हो गए 3-3 स्कीम के प्लॉट है 33 प्लॉट में तैयार हो गए मैंने 60 लाख 50 लाख रुपये मैंने दिया तत्काल मेरी रजिस्ट्री हुई 2 एकड़ 1 करोड़ रुपया दे करके 2 एकड़ में मैंने 66 प्लॉट तैयार कराया आपको सुविधा क्या किया दिया भैया आप मुझे 1.5 लाख रुपये अच्छा अच्छा रजिस्ट्री भी आपको करा तुरंत रजिस्ट्री भी करा बाद में पैसा दीजिएगा जब आपके नाम हो जाएगा आप लोग धीरे धीरे पैसा दीजिएगा मैं डेवलपमेंट का काम शुरू उसी से करेंगे ना 1.5 लाख रुपये लेते लेते मैंने रजिस्ट्री स्टार्ट किया मेरा 4.5 करोड़ रुपये बकाया 4.5 करोड़ रुपये बकाया होगा अच्छा अच्छा आपने अपने पास से काश्तकारों को दे दिया सबको जिला जिला करके आपने दे दिया 4.5 करोड़ बकाया हो गया अब हम लोगों ने ये सोचा कि अब एक सीधे से पोजीशन का काम स्टार्ट करते हैं सारे पार्टीज को मैं कॉल करूंगा कि अब आप लोग आइए पैसा दीजिए अपना पोजीशन दीजिए पैसा दे दीजिए इसीलिए रजिस्ट्री पेपर यहाँ रजिस्ट्री का पेपर इसीलिए रखा हुआ कि आप आइए पैसा दीजिए पैसा दीजिए रजिस्ट्री का पेपर ले जाइए फाइनल कीजिए तब पेपर ले जाइए ऐसे मैं कैसे दे दूँगा सही बात नहीं किया ही नहीं है जिन्होंने फाइनल किया खबर अब तक के खुफिया कैमरे के सामने माँ अम्बे शक्ति इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अविनाश अचल ने कई चौंकाने वाला खुलासा किया बातचीत के दौरान अविनाश ने कई अधिकारी और कर्मचारियों के नाम को उजागर करते हुए यह दावा किया कि ये लोग भी उस मास्टर प्लान के लाभार्थी हैं। खुफिया कैमरे के सामने अविनाश अचल ने जितने भी खुलासे किए हैं उससे तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैकड़ों की संख्या में रजिस्ट्री के जो ओरिजिनल दस्तावेज अविनाश अचल के कार्यालय में मौजूद थे वह किसके थे? क्या रजिस्ट्री के समय दस्तावेजों में जो रकम दर्शाई गई वह फर्जी थी? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि रजिस्ट्री के बाद जो करोड़ों का लेन देन हुआ वह किस तरह हुआ? नहीं जो जमान आपको दे दिया सर बहुत हाँ, नहीं ठीक बात है तो कारोबार ये कारोबार जो है मैं बता दूं रहा हूँ बिना पैसे के मैं रजिस्ट्री किया हूँ वैसे कर यही तो बड़ा ताजुब है आप उसे 10 कस्टमर का वैसे नंबर ले लीजिए ना जो जो कहे कि मुझे 1 रुपया भी दिया है उन्होंने ऐसा नहीं हो सकता सर या तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ मैं आपको कहा जवाब ले चल रहा हूँ
से जब मैं नहीं बताया उस समय तक मेरा ये पहला प्रोजेक्ट था, इसी पे मोटरसाइकिल से घूम के मैंने प्लॉट बेचा। कंपनियां का नाम लिख दीजिए यहाँ पे आज के दिन जिस नाम से एग्रीमेंट होगा। यही एक ऐसी चीजें थी जो कि हमने आपके नाम से आपके नाम से आपके नाम से बड़े भाई के नाम से, मेरे बड़े भाई का भी नाम आप देखेंगे उसमें है, रजिस्ट्री है, मेरे भाभी के नाम से कुछ रजिस्ट्री है, क्योंकि एक ही बार हम रजिस्ट्री कराते हम एक ही ये बताइए और मुझे रजिस्ट्री कराए वो टैक्स स्लैब में हम आ जाते हैं तो मजबूरी थी कि हम एक एक एकड़ दो दो एकड़ तीन तीन एकड़ कर करके सबके नाम से करा दिए। अभी बताएं हैं जो DIG स्तर का मतलब वो IPS होता है ना, अगर उस टाइप का आदमी अगर लिया है उसमें जमीन तो वो पेपर दिखाऊंगा आप कहिएगा, अभी मैं कॉल कर दूँ तो अभी तुरंत उठाएंगे वो, चाहे कितना बिजी हो मेरे कॉल का इतना रिस्पॉन्स देंगे कि तुरंत उठाएंगे, अब आपको उनका पेपर दिखाएंगे उनसे बात करा देंगे। बात क्या मतलब विश्वास तो होना ही चाहिए। अरे उनका प्लॉट इसमें कम से कम 37 प्लॉट है DIG साहब का, और DIG साहब से भी कहिएगा तो मैं उनके 5-7 प्लॉट आपको रजिस्ट्री करा दूँगा। कौन सा है इसमें है सर सारे, ये नहीं ये इसमें है, इसमें है ना बहुत ही मस्त प्लॉट सारे लोगों ने लिया है, ऐसा नहीं है। मैं आपको रजिस्ट्रार से DIG स्टैम्प से गोरखपुर मेरे साथ उनका पेपर लेकर के आपके उनके सामने बैठूंगा, सर आप मेरे 5 लाख रुपये आपको देंगे चलिए उनसे भी मैं बोलूँगा। अच्छा वो सब भी लिए हैं क्या उसमें जमे? चलिए उनसे भी मैं बोलूँगा सर, पैसा कब देंगे आप बताइए। अच्छा वो भी सब जमे लिए हैं क्या उसमें? अभी DIG साहब 24 को आ रहे हैं, 28 को आ रहे हैं, ये DIG साहब के छोटे भाई आ रहे हैं रजिस्ट्री करने अपने नाम से, जो थोड़ी कराते हैं। अच्छा अच्छा ये है अच्छा DIG स्टैम्प वगैरह अलग होते हैं क्या? ये वाले DIG नहीं है ये? नहीं वो DIG स्टैम्प दूसरे होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ पुलिस वाले जो DIG है तो बहुत बड़ा पोस्ट, ये तो पुलिस DIG, ये तो पुलिस DIG है सर। अच्छा तो स्टार नहीं देख रहे हैं क्या? ये पुलिस वाले DIG सर, इनका स्टार देख रहे हैं। हाँ 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 ये तो पुलिस। अविनाश अचल ने जो भी दावा किया है वह बेहद गंभीर है, इस पूरे मामले में एक उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है, जांच से ही यह पता चल पाएगा कि अविनाश अचल के दावों में कितनी सत्यता है। अगर अविनाश अचल के दावे सही हैं, तो यह सच सामने आना चाहिए कि जिस भी अधिकारी या कर्मचारी ने रजिस्ट्री के बाद बाकी की रकम दी वह कैसे और कब दी गई। इसके साथ ही अगर अविनाश अचल के दावे फर्जी हैं तो इसके लिए इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।